दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि काबुल हवाई अड्डे पर हुए बम धमाकों से बाइडेन का राष्ट्रपति पद पूरी तरह से हिल चुका है। दोस्तों, गुरुवार की बात करें तो गुरुवार को काबुल में एक बंदूकधारी द्वारा कई बम विस्फोटों और कम से कम एक हमले में 72 अफगान और 13 अमेरिकी सेवा कर्मियों की मौत हो गई और अफगानिस्तान से पश्चिमी बलों की निकासी को गहरे संकट में डाल दिया। दोस्तों, स्वास्थ्य अधिकारी और तालिबान के प्रवक्ता ने कहा है कि विस्फोट में बच्चों और कई तालिबान गार्ड सहित कम से कम 72 नागरिक मारे गए। बाद में एक बयान में तालिबान ने हमले की निंदा करते हुए कहा कि यह अमेरिकी बलों द्वारा नियंत्रित क्षेत्रों में हुआ था। हमले की निंदा करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा, हम आपको ढूंढ निकालेंगे और आपको इसका भुगतान करेंगे। उन्होंने अफगानिस्तान से अमेरिका सेना की वापसी के लिए अपनी 31 अगस्त की समय सीमा बढ़ाने से इनकार कर दिया है, लेकिन जो भी अमेरिकी नागरिक छोड़ना चाहते हैं उन्हें निकालने का वादा किया। आज इन हमलों को अंजाम देने वालों के साथ ही साथ जो कोई भी अमेरिका को नुकसान पहुंचाना चाहता है, यह जान ले, हम माफ़ नहीं करेंगे, हम नहीं भूलेंगे, हम आपकी तलाश करेंगे और भुगतान करेंगे, कुछ यूँ कहना था। इसी बीच अमेरिकन अधिकारियों का दृढ़ विश्वास है कि इस्लामिक स्टेट खुरासन यानी ISISK के नाम से जाने जाने वाला इस्लामिक स्टेट का अफगान सहयोगी हमले के लिए जिम्मेदार था। ISISK का संयुक्त राज्य अमेरिका और तालिबान द्वारा विरोध किया जाता है। तो दोस्तों, देखा आपने काबुल एयरपोर्ट ब्लास्ट है कुछ झलक। आपको क्या लगता है, आखिर कौन है जिम्मेदार और आगे इसके क्या होगा? ये सब जानने के लिए हमारे बने रहो और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू सून, थैंक यू।